कि क्यों ना ऐसा करें कि जो कैपेसिटर है उसको और बढ़िया बनाया जाए, और बढ़िया बनाया जाए, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटी को और इंक्रीज किया जाए। तो एक और साइंटिस्ट आता है, वो एक और नया सजेशन देता है कि कैपेसिटर्स और बढ़ा सकता हूं मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, अगर आप उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब की जगह कौन सी स्लैब डाल दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग स्लैब को डाल दें। अब ये टॉपिक मैं आपको इसलिए सिखा नहीं सकता अभी, यह एक्सप्रेशन सीधा बता नहीं सकता, क्योंकि आपको डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर का बिहेवियर नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसे बिहेव करते हैं। आपको कंडक्टर का तो पता है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, इसलिए आपने वो स्लैब वाला फटाफट आपने कर दिया, क्योंकि जब हमने वो कैपेसिटेंस का ये टॉपिक किया तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि कंडक्टर का क्या बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब ये टॉपिक हुआ। तो आज अगर नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है कि बिहेवियर या फिर एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग स्लैब, तो हमें पहले इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को समझना पड़ेगा। इसलिए जो अगला टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स। क्या है डाइलेक्ट्रिक्स? तो लास्ट टाइम मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक्स खास किस्म के इंसुलेटर्स हैं। एक होता है प्योर इंसुलेटर, जिसमें चार्ज ना वॉल्यूम वाइज होगा ना एरिया वाइज होगा, ना वो कंडक्ट करते हैं, लकड़ का पीस है, उसमें चार्ज अंदर भी नहीं होने वाला। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं इंसुलेटर में जिनके अंदर वॉल्यूम वाइज चार्ज देख सकते हो आप, वॉल्यूम वाइज चार्ज होता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या मटेरियल हैं? डाइलेक्ट्रिक्स को स्टडी करने के लिए इस टॉपिक से पहले, या एक अगर मोटा मोटा डिफरेंस मुझे बताना हो कि किसी भी कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क है, तो पहला फर्क यह है कि जब आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसके अंदर ई क्या आ जाता है? जीरो। पर जब आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर ई जीरो नहीं आता, उसमें ई नॉन जीरो होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ ई उसमें प्रेजेंट होती है। तो पहले काम करते हैं, मैं आपको आगे स्टडी करवाने से पहले इनका पहले डिफरेंस बता देता हूं, ये डिफरेंस है क्या। और डिफरेंस से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। आपने ये टर्म केमिस्ट्री में पढ़ी होती है, पोलर नॉन पोलर आप पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, बड़ी सिंपल, कि अगर आप एक एटम लें, एक एटम लें, अब वो एटम आपने ऐसा लिया कि जिसका, क्योंकि एटम के अंदर, जैसे सपोज करो ये एक एटम लिया, इस एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होगा न्यूक्लियस की वजह से और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो जैसे हम सेंटर ऑफ मास स्टडी किया करते थे कि आप पूरी क्लास है, इस पूरी क्लास का मास एक पॉइंट पर इमेजिन कर लेना, इमेजिन करना है, सेंटर ऑफ मास तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही अगर इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इमेजिन करना है कि सारे चार्जेस का सेंटर यहाँ पर है, और ऐसे में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो नेगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, कहाँ पे? इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। मान लो एक ऐसा एटम है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है। तो अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है तो ऐसे एटम को बोलते हैं नॉन पोलर एटम, ये नॉन पोलर है, राइट? लेकिन कई एटम्स ऐसे होते हैं जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करता, उनमें कुछ डिस्टेंस होता है, तो ऐसे एटम को क्या बोलते हैं? पोलर एटम्स, ये पोलर है। तो अब ये पोलर नॉन पोलर ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो एटम जैसा है मैंने बता दिया कि कुछ एटम ऐसे होते हैं कुछ एटम ऐसे होते हैं। तो जिनका तो एटम बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करता है वो तो हो गए नॉन पोलर, और जिनका जिनमें दूरी होती है वो क्या हो गए? पोलर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? नॉन पोलर पोलर, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये नाम याद रखने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि अब हम देखें इसमें क्या माइक्रोस्कोप की एटम की क्या स्ट्रक्चर है, नहीं हमने कुछ नहीं करने वाले, हमें ये स्टडी करना है कि ये पोलर और नॉन पोलर चाहे कैसे भी हों
अगर हमने इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अगर हमने इन एटम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये नॉन पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, और ये पोलर है, राइट। मैंने इनको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव ने इसके अंदर के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया, और पॉजिटिव ने इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये एटम थोड़ा सा क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, खींच गया, राइट। ये एटम खींच गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको खींच दिया पॉजिटिव नेगेटिव को। तो शुरू में ये क्या था, नॉन पोलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते ये क्या हो गया, पोलर, पोलर हो गया। और जो पोलर था ऑलरेडी, वो और ज्यादा क्या हो गया, पोलर। तो यानी कि नॉन पोलर भी पोलर हो गया, पोलर और पोलर हो गया। तो यानी कि ऐसे एटम्स को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या हो जाते हैं, पोलर, चाहे थोड़े हो चाहे ज्यादा हो। इस प्रोसेस को जब नॉन पोलर पोलर बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो इस स्टेप का नाम क्या है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब नॉन पोलर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रख दो, वो क्या हो जाते हैं, पोलर। तो पोलराइजेशन, राइट। आप सोचेंगे कि क्यों स्टडी करवा रहे हैं, ये इसलिए स्टडी करवा रहे हैं क्योंकि टॉपिक का नाम है कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इस टॉपिक का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले समझाता हूं ये कर क्या रहा है। ये टॉपिक में ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटीरियल को रख दिया, कंडक्टिंग नहीं है अब, यह इंसुलेटिंग मटीरियल है। अगर आप माइक्रोस्कोप उठाएं और उठा के देखें इसकी फोटो अंदर से कैसी दिखेगी, तो आपको अंदर हो सकता है नॉन पोलर एटम दिखें, पर क्योंकि आपने इस नॉन पोलर बहुत सारे एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, पोलर। तो देखो हर एटम स्ट्रेच हुआ पड़ा है, खिंच गया, अपनी पोजीशन पे ही है, हिल नहीं रहा, लेकिन खड़ा खड़ा स्ट्रेच हो गया, ठीक है यहां तक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या हो गया, पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया यहां पर। तो आप एक चीज देखें, सारे नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो लेफ्ट की तरफ हैं, सारे पॉजिटिव चार्जेस राइट की तरफ हैं। तो एक लेफ्ट की तरफ है नेगेटिव और पॉजिटिव राइट की तरफ है, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहां तक, यस सर, ठीक। तो ये केस है, आपको बुक्स में डायग्राम ऐसे दिखेंगे नहीं, यार कौन एटम एटम बनाएगा, इतने सारे कंफ्यूजन बहुत होते, एटम बनाते रह जाएंगे डायग्राम में, आपको बुक का डायग्राम ऐसा ही दिखेगा। अब दिक्कत क्या आती है, आप इस फोटो को देखते हुए बोल नहीं सकते कि कंडक्टिंग स्लैब है या ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, आपको कि डिफरेंस क्या है, क्या फर्क पड़ता है यार आपको कि इसमें ये डायग्राम ऐसे कैसे बन गया। वो क्या करता है, ये डॉट 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 देख रहे हो यार, इसको हटा दिया उसने, उसने सारे नेगेटिव को ये नेगेटिव 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 ये बना दिए, और इधर से सारे पॉजिटिव 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 उसने यहां बना दिए, पर अंदर का डायग्राम एज इट इज ही है, अंदर ऐसा ही दिखता है आपको जो दिख रहा है, कंडक्टर में ये दिखता नहीं क्योंकि कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, भाग के उठ के इधर चले जाते हैं और इधर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कंडक्टर में ऐसा कुछ पोलराइजेशन नहीं होती। कंडक्शन में, कंडक्टर्स में क्या होती है, इंडक्शन, इंडक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है पॉजिटिव प्लेट, उसको बोलते हैं इंडक्शन। तो कंडक्टर जब वर्ड आएगा और यहां पे पॉजिटिव का नेगेटिव डेवलप होगा और ये स्लैब अगर कंडक्टर होती तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडक्शन, इंड्यूस्ड चार्जेस। लेकिन यहां पर ये जो चार्जेस है, दीज आर नॉट इंड्यूस्ड चार्जेस, ये इंडक्शन थोड़ा ना लगी, इसमें क्या लगी, पोलराइजेशन। तो ये जो चार्जेस हैं ये डेवलप हुए बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, समझ में आ रहे हैं यहां तक। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, चार्ज तो आ तो गया प्लेट के ऊपर, डिफरेंस दिखाता हूं क्या है, ये देखो। डिफरेंस सीखने के लिए इमेजिन करो कि आपके पास ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ठीक, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये रहा, ठीक। उसी तरीके से ये भी एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये रहा, और पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक। ये दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स हैं, इसके अंदर सपोज करो मैंने मैंने एक स्लैब को बीच में डाल दिया। ये पहला केस है जिसमें स्लैब कौन सी है, कंडक्टिंग है,
ये कंडक्टिंग स्लैब है। और उसी तरीके से मैंने एक स्लैब ये देखो इसमें डाल दी, और ये स्लैब क्या है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। सबको पता है कि यहां पर कौन सा चार्ज, यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस चार्जेस के अफेक्ट को क्या बोलते हैं, दीज चार्जेस आर ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन की खास बात, अगर ये q तो ये माइनस q, ये q तो ये माइनस q, चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अब आ जाए डाइलेक्ट्रिक में, डाइलेक्ट्रिक में अंदर एटम स्ट्रेच हो जाएंगे, जब एटम स्ट्रेच होंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, अंदर ही आएगा रादर, बाहर बना दिया कोई बात नहीं, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, अंदर एटम स्ट्रेच हुए, ऐसा बनेगा डायग्राम। क्या स्टेप क्लियर है, खास बात, अगर ये क्यू है तो ये माइनस क्यू नहीं होगा, ये माइनस क्यू डैश होगा, और ये क्यू डैश क्यू से कम होगा। इसमें इसलिए बराबर है क्योंकि इंड्यूस चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, पर इसमें स्ट्रेचिंग के साथ हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो यहां पर जो चार्ज पाया जाएगा वो क्यू से कम ही होगा। क्लियर है स्टेप, डिफरेंस समझ में आ रहा है, उसमें क्यू, इसमें माइनस क्यू, उसमें क्यू डैश, अगर ये माइनस क्यू डैश है तो ये प्लस क्यू डैश, अगर ये प्लस क्यू डैश है तो ये माइनस क्यू। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। तो इंसुलेटर में या डायलैक्ट्रिक में, डायलैक्ट्रिक या इंसुलेटर एक ही बात है, तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, बट इंसुलेटर या डायलैक्ट्रिक में एंड कंडक्टर में चार्जेस डिफरेंट होते हैं, इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट है, उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट बिल्कुल भी नहीं है। पहला डिफरेंस समझ में आया, दूसरा डिफरेंस समझो। सेकेंड डिफरेंस है, आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की वजह से अप्लाई किया, कितना, सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किया 10, ये इन ब्लैक प्लेट्स ने अप्लाई किया, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी डेवलप करेंगी प्लस से माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू बोलो कितनी डेवलप होती है, कंडक्टर में ई क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या डेवलप होगी, 10। अब अगर कोई पॉइंट कंडक्टर के अंदर है तो बाहर का फील्ड इसके ऊपर वैल्यू क्या लगा रहा है, 10, अंदर का इसका अपना फील्ड भी वैल्यू कितनी लगा रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10, तो दोनों वैल्यूज बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या आ जाएगा, 0, राइट। तो बाहर का फील्ड और अंदर का फील्ड अपनी वैल्यू को हमेशा क्या करता जा रहा है, कैंसल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0, इसलिए कंडक्टर के अंदर नेट ई 0। क्या स्टेप क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, सर ये वाला एक बार बता, देखो कैंसल, ये बताया कि सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया बाहर कितना अप्लाई किया, 10, इंडक्शन से चार्जेस आ गए, इंड्यूस चार्जेस ने उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कितना, 10, लेकिन अगर कोई पॉइंट इसके अंदर कंडक्टर के अंदर लें, इट विल फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट अफेक्ट यहां पर डेवलप होगा, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10, तो इस पॉइंट पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर क्या होगा, 10, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10, 10 एंड 10 कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब क्लियर है, यस सर, ठीक है, ठीक। ये तुमने लास्ट टाइम भी किया था, सुनने वाली चीज ये नहीं है, सुनने वाली तो वो है, क्योंकि उसमें ये अफेक्ट कैंसिल होता नहीं है, क्योंकि चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट डेवलप होते ही नहीं है। तो इसके अंदर अगर मैंने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डेवलप किया कितना, 10, तो इसके अंदर उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस एंड माइनस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं रखूंगा ईपी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, दिस वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन। तो कंडक्टर में क्या वर्ड यूज करते हैं, इंडक्शन, और डाइलेक्ट्रिक में क्या यूज करते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से यहां पर ये फील्ड डेवलप हुआ कितना, 8, कमजोर होगा, क्यों कमजोर होगा, क्योंकि चार्जेस इसमें थोड़े से
वीक है, कम है, उसमें क्यू एंड माइनस क्यू है, इसमें थोड़े कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो ये चार्जेस डेवलप करेंगे थोड़ा सा कम डेवलप करेंगे। तो सोचो अगर कोई पॉइंट इस डायलेक्ट्रिक में लिया जाए, बाहर का फील्ड इसमें क्या डेवलप कर रहा है 10, और अंदर का अपना फील्ड इस पॉइंट पर वैल्यू क्या लगा रहा है 8, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें क्या होगी 10 माइनस 8 कितनी 2 टुवर्ड्स राइट। सुपरपोजिशन में तो यही है, तो इसका मतलब डायलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट ई जीरो नहीं होता, कंडक्टर में नेट ई जीरो होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? कम चार्ज डेवलप होते हैं इसमें, क्यू डैश कम है, उसमें बराबर है, तो बराबर चार्ज बराबर फील्ड डेवलप करेगा, कमजोर चार्ज कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, इसलिए कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्लियर है यहाँ तक। अब असली चीज सुनो इसके बाद जो अब सुननी है, कि अगर मैं यहां पे कंडक्टर के अंदर एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं के, के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया था हमने। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, यही था ना, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अब नई डेफिनेशन सुनो, कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, ई नॉट अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर डेवलप हुआ। तो नई डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि कितना आपने फील्ड अप्लाई किया, इसमें ई नॉट, और कितना फील्ड इसके अंदर नेट रह गया, कितना ई नेट। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, करके देखें तो के इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना है 10, और नेट वैल्यू अंदर कितनी है, तो के क्या आएगा इन्फिनिटी। आपको अगर फर्स्ट लेक्चर याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक लिखवाया था कि मेटल्स का या कंडक्टर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। मैंने रीजन नहीं दिया था, ये रीजन है उसका, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ ब्रास या फिर ऑफ अ कोई भी कंडक्टर, उसमें एग्जांपल यूज भी होते थे, इज ऑलवेज इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है क्यों? लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी इंसुलेटर का निकालें, यहां पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2, तो इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म कहां से आ रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म आ रही है कि कोई भी मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्पेशल इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, उस बिहेवियर के ऊपर ये वैल्यू डिफाइन की जाती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कि के की वैल्यू किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि वो डिफरेंट बिहेव करेगा, उसकी पोलराइजेशन डिफरेंट होगी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां से के को डिफाइन किया जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो के को अगर हम डिफाइन कर लें, या चलो यही, ये ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये देखो, तो इसके अंदर जो नेट वैल्यू आई थी इसमें, ये इस डायग्राम में ये जो नेट वैल्यू आई वो अप्लाइड वैल्यू से कम आई, 2 आई ना नेट वैल्यू, अप्लाइड वैल्यू कितनी थी 10, कम आई, इसको नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या कभी कभी इसे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। कम वैल्यू नेट वैल्यू एक ही बात है, रिड्यूस्ड वैल्यू या नेट वैल्यू एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? क्योंकि इसमें जो नेट वैल्यू आती है वो रिड्यूस होके आती है। कोई डाउट इसमें?
तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? देखो, तो टॉपिक का नाम क्या है? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब समझ आया रिडक्शन वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई की वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. इसलिए नाम क्या है? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन. समझ में आया रिड्यूस वैल्यू क्यों पाई गई? क्योंकि अंदर क्या हो गई? पोलराइजेशन. ऑफ किसकी? कंडक्टर की तो बात ही नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? डाइलेक्ट्रिक की. तो मैंने बोला था ना टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, एक इस पूरी लाइन के अंदर बहुत चीजें छुपी हुई हैं. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो आप इसको याद नहीं कर सकते हो फिजिक्स को कि मैं याद करके जाऊंगा, ये डेरिवेशन आएगी तो मैं ऐसा लिख दूंगा. क्या इसको कौन याद? मैं तो नहीं कर सकता ऐसे याद. लेकिन अब समझ में आ रहा है कि रिडक्शन क्यों वर्ड यूज, पोलराइजेशन क्यों यूज हो रहा है, तो वो समझ में आता है. तो इसमें ये डायग्राम समझ में आ रहा है. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ई पी का मतलब उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई पी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई नॉट माइनस ई पी. इसका दूसरा नाम क्या है? रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी क्लियर है. इसके बाद के को डिफाइन किया. के क्या चीज है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी क्लियर है. रिड्यूस वैल्यू और नेट वैल्यू किसके इक्वल है? ई नॉट माइनस ई पी. तो डेफिनेशन क्लियर है. और अब अगर मैं पीछे जाऊं इस टॉपिक में थोड़ा, वो पहले होना चाहिए, अब ज्यादा इजिली समझ में आएगा. वो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा था कि जब कंडक्टर को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और इंसुलेटर को रखा जाए या डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए तो क्या फर्क है. अब फर्क समझ में आएगा. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है टूवर्ड्स राइट, इसके अंदर इंडक्शन हो जाएगी. इंडक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये कंडक्टर है. कंडक्टर में ई नॉट एंड ई इंड्यूस की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है? सेम, ताकि नेट वैल्यू क्या जाए? जीरो. डाइलेक्ट्रिक में ई नॉट है लेकिन अंदर क्या है? ई इंड्यूस्ड. ये इंड्यूस वर्ड लिख गया वैसे, इसको ई पी लिखना चाहिए. लिखने तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है. इसमें जो वैल्यू ई इंड्यूस्ड है वो लेस देन ई नॉट है. वैसे मैं इसको ई पी लिखना पसंद करूंगा, कन्फ्यूजन नहीं होती ना. इंड्यूस में कन्फ्यूजन हो जाती है, ई पी में कन्फ्यूजन नहीं है. ई पी में पता है कि पोलराइजेशन से चार्जेस आ रहे हैं. पर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से इस केस में कम ही आएगा. कोई डाउट इसमें? नहीं, उल्टा बोलो. प्लेट्स का जो चार्ज है अगर क्यू है तो डाइलेक्ट्रिक का कम होगा. डाइलेक्ट्रिक का हमेशा कम होगा हर केस में, कंडक्टर में हर केस में इक्वल होगा. यही डिफरेंस है. ठीक है यहां तक? तो ये भी समझ में आ गया टॉपिक. पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया. हालांकि इसने केमिस्ट्री समझाने की कोशिश की पर मेरे को डायग्राम भी मैंने लिया केमिस्ट्री में, याद है वाटर का मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल, वो पोलर होता है, नॉन पोलर एक्सप्लेन करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. पर आपको समझ में आ गया वो पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या है. ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है. अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगेन विद इंसुलेटिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो पहले हमने कौन सी स्लैब डाली थी? कंडक्टिंग. तो हमने कैपेसिटेंस निकाली थी, अब हम क्या डालेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो कंडक्टिंग स्लैब में क्या हुई थी? इंडक्शन. इसमें क्या होगी? पोलराइजेशन. और हमने इसकी अब नई कैपेसिटेंस निकालनी है. ठीक, तो अगर आप इसकी कैपेसिटेंस